वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, संसद का प्रावधान संविधान के 6वें भाग में किया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट, संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बी का मतलब हो गया दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला आपका गलत है। संसद का प्रावधान जो है संविधान के 6वें भाग में नहीं किया गया है, ये भाग 5वें में किया गया है। ठीक है, तो इसलिए गलत है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। तो एक सही, दो सही, दोनों सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकेंड का सी ऑप्शन सही है, सेकेंड का सी ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्य कथन को चुनना है, निंदा प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही, दोनों सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का ए ऑप्शन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, यह स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं है, लाया जा सकता है। ठीक है, आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 85, 86, 87, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथे का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आर्टिकल 87 में है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोजन विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद आर्टिकल 112, 113, 114, 115, अनुच्छेद 112, 113, 114, 115। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पांचवे का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 114 में विनियोजन विधेयक का प्रावधान है। छठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, बास डाली बेसिक पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है, बास डाली बेसिक पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र किस देश में है, ब्राजील, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। छठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, छठवें का डी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, किरुना लौह उत्पादन क्षेत्र यूक्रेन में है और रूर बेसिन फ्रांस में है। एक सही, दो सही, दोनों सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। सातवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सातवें का देखिए डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। गलत क्यों है, किरुना लौह उत्पादन क्षेत्र जो है वो आपका स्वीडन में है। ठीक है, स्वीडन में है, यूक्रेन में नहीं है। और रूर बेसिन जो है वो रूर बेसिन जो कहां पर है, जर्मनी में है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये फ्रांस में नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन, बफेलो औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस। आठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आठवें का ऑप्शन ए सही है, बफेलो जो औद्योगिक क्षेत्र है अमेरिका में है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में है और मिलवॉकी औद्योगिक क्षेत्र इंग्लैंड में है। तो ऑप्शन आपके रहे, एक सही, दो सही, दोनों सही, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। नौवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, नवे का देखिए ए ऑप्शन सही है, लॉरेन फ्रांस में है, लेकिन देखिए मिलवॉकी जो है वो इंग्लैंड में नहीं है, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। तीन स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रेवेनियर इंग्लैंड का निवासी था। सेकेंड, दास्तार बंदान सूफी संत थे। और थर्ड, नूनिज यात्री डेनिश था। ठीक है, मतलब नूनिज यात्री डेनिश का रहने वाला था।
तो एक दो सही, दो तीन सही, एक तीन सही या तीनों गलत हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दसवें का सही उत्तर का चयन कीजिए। दसवें का देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ऑप्शन डी सही है। ट्रेवेनियर देखिए इंग्लैंड का निवासी नहीं था, ये फ्रांस का निवासी था, और दस्तार बंदान जो थे वो सूफी संत नहीं थे, सूफी उलेमा थे, ये उलेमा थे, ठीक है। और नूनिज यात्री डेनिश नहीं था, नूनिज यात्री जो था यह पुर्तगाली था, ठीक है। आइए ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पार्थ सारथी एक जैन धर्म अनुयायी था। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही, सी ऑप्शन दोनों सही, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्यारहवीं का देखिए ए ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है, पार्थ सारथी एक जैन धर्म अनुयायी नहीं था, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। बारहवां नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा है, कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, मुनि सुंदर सूरी और नाथा, नाथा जिसको थानेश्वर सिंह कहा जाता है, नाथा, ठीक है, नाथा और टिल्ला भट्ट या जिन विजय सूरी, तो कौन सा उत्तर सही होगा। बारहवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बारहवें का देखिए ऑप्शन डी सही है, ये एक व्यक्ति थे कुंभा के दरबार में नहीं थे, जिन विजय सूरी, ठीक है। तेरहवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। और दोस्तों सभी लोगों को ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए उसको कमेंट करके आप लोगों को बताने हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, बहमनी राज्य की स्थापना 1338 में हुई थी और द्वार समुद्र काकती वंश की राजधानी थी, तो एक सही, दो सही, दोनों सही या कोई भी नहीं सही। तेरहवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, थर्टीन का देखिए डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। बहमनी राज्य की स्थापना 1338 में नहीं हुई थी, 1347 में हुई थी, ठीक है। और द्वार समुद्र जो थी वो होयसेलों की राजधानी थी, किसकी, होयसेलों की। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चौदहवां नंबर क्वेश्चन है, बीजक किस संत के उपदेशों का संकलन है, मध्वाचार्य, संत दादूदयाल, शंकर या रामानुज। चौदहवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चौदहवें का देखिए ऑप्शन बी सही है, संत दादूदयाल के उपदेशों का संकलन है बीजक, ठीक है। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्य कथन को चुनना है, पहला स्टेटमेंट क्या है, मलूक दास कड़ा के कवि थे, नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित नहीं थे और चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से थे। तो तीन स्टेटमेंट हैं, सही स्टेटमेंट का चयन कीजिए, एक दो सही, दो तीन सही, एक तीन सही या डी, तीनों स्टेटमेंट सही, ठीक है। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पंद्रहवें का देखिए सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत क्यों है, तो देखिए नामदेव जो थे वो इस्लाम धर्म से प्रभावित नहीं थे, यह स्टेटमेंट है, जबकि क्या सही क्या है, यह नामदेव जो थे इस्लाम धर्म से प्रभावित थे, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सूफी संत थे, रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मुनुद्दीन चिश्ती, रस खान, एक तीन सही, दो तीन सही, एक दो तीन सही या दो चार सही। सोलहवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सोलहवें का देखिए बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा, निजामुद्दीन औलिया और मुनुद्दीन चिश्ती जो थे सूफी संत थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सत्य कथन को चुनना है, पहला स्टेटमेंट क्या है, होरोलॉजी जो कि एक समय का मापक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं, एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17वें का देखिए ए ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है, तो यह हैदराबाद में नहीं है, पुणे में है, कहाँ पर है, पुणे में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, पहला स्टेटमेंट क्या है, लेजर के द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नैनो प्लग एक छोटा सुनने का यंत्र है, और थर्ड स्टेटमेंट है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति दीर्घ होती है। तो एक दो सही, दो तीन सही या एक तीन सही या तीनों सही।
अठारहवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अठारहवीं का देखिए डी ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन एक विद्युत अचुंबकी है, आपको बताना है कौन सा एक विद्युत अचुंबकी है, निकेल कोबाल्ट क्रोमियम तांबा। उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, उन्नीसवें का देखिए डी ऑप्शन सही है, तांबा जो होता है विद्युत अचुंबकीय होता है, ठीक है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, बीसवा नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है हाईटेक सिटी बेंगलोर में है, और सेकंड स्टेटमेंट है इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। तो एक सही, दो सही, या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। बीसवा नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला आपका गलत है। हाईटेक सिटी बेंगलोर में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बेंगलोर में नहीं है, हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। आइए मेंस का प्रश्न है, इसको भी आप लोग लिखने का प्रयास करिए, जो भी आता है आपको उसको लिखने का प्रयास करिए। लोकसभा की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।